Hey, what's up guys? कैसे हैं आप सभी के सभी लोग। So, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ लावा के Z2 स्मार्टफोन का। ये एक न्यू स्मार्टफोन है जो कि लावा की तरफ से लॉन्च किया गया है। सारी की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं इस फोन के बारे में देने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको इस फोन का प्राइसिंग भी मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। सो यार यहाँ पास आपको Z2 लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाता है, ऊपर साइड में आपको यहाँ पे लावा की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है, उसके बाद नीचे में 2GB 32GB लिखा हुआ है जो कि 3GB 32GB होना था। साइड में आपको प्राउडली इंडियन देखने के लिए मिल जाता है लिखा हुआ, जो कि काफी अच्छी बात है। उसके बाद इस साइड में आपको लावा की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। रैपर को अपन निकाल लेते हैं, रैपर को अपन साइड को रख देते हैं। और बॉक्स कंटेंट्स की बात रही तो एक आपको एक केबल देखने के लिए मिल जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको एक चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा नॉर्मल सा, उसके बाद आपको मेन फोन देखने के लिए मिल जाएगा जिसके बारे में अपन बात करेंगे, एक टीपीओ केस, सिम प्रोजेक्टर टूल और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो भाई यहाँ पास आपको जो है 6.50 इंचेस का एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जो कि कॉमन से डिस्प्ले है जो कि आपको इस प्राइस रेंज में हर स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाएगी। बात रही इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड गो एडिशन विद एंड्रॉयड 10 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आपको फुल एंड्रॉयड देना था लेकिन 2GB रैम के हिसाब से ठीक ठाक ही है। लेकिन इसका जो 4GB रैम वाला Z4 आता है उसमें तो यार नहीं देना था वो वाला वेरिएंट, एंड्रॉयड गो, सो भाई ज़्यादा बेटर रहता। सो भाई यहाँ पास आपको कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको कैमरा जो है ना कुछ ज़्यादा बेटर देखने के लिए नहीं मिलता। फ्रंट में आपको 8 MP का देखने के लिए मिल जाता है, रेयर में आपको 13+2 MP का देखने के लिए मिलता है। तो यार कैमरा वॉइस ऐसे स्मार्टफोन को कुछ ज़्यादा मैं अच्छा बोलूंगा नहीं। यहाँ पे डिस्प्ले नॉर्मल सी है, कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है ना कुछ ज़्यादा बेकार डिस्प्ले यहाँ पे आपको दिया गया है। और भाई यहाँ पे यार ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया काफ़ी अच्छा है। प्रोसेसर की बात रही तो मीडियाटेक का Helio G35 वाला प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। बात रही रेयर कैमरा की तो यहाँ पे 13+2 MP का ड्यूल रेयर कैमरा देखने के लिए मिलता है। डिजाइन कुछ इस प्रकार का है, मैट फिनिश यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ग्रीन प्लस रेड कलर के साथ ही आता है। बैक माउंटेड यहाँ पास आपको जो है स्पीकर देखने के लिए मिलेगा। यार स्पीकर में क्या बोलूँ यार, यहाँ पे बैक माउंटेड नहीं देना था। वैसे माइक्रोमैक्स N1 में भी देखने के लिए मिल जाता है, तो यार कुछ ज़्यादा इसमें कंप्लेंट अपन कर नहीं सकते। बैक माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। 5000 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। बात रही प्राइसिंग की, 6999 इसकी प्राइसिंग है। तो मेरे को कैसा लगा, तो भाई मेरे को तो ठीक ठाक सा लगा। जैसे स्पेसिफिकेशन माइक्रोमैक्स N1B में आपको देखने के लिए मिलती है, सेम स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपको इन दोनों फोन का कंपैरिजन चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।